बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मदर, आप देखेंगे कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कितनी चार्मिंग, कितनी लविंग और कितनी प्लीजिंग हो गई है। ये सारा मदरहुड का ही मैजिक है। माँ होना बहुत मैजिकल है, ऐसे लगता है कि आप ही यूनिकॉर्न बन गए हो। जो चीज़ें आप कर रहे होते हो ना, आपने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होता है कि आप कर पाओगे। वो पावर जो आप में आ जाती है, इट इज़ मैजिकल। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मदरहुड एक सेलिब्रेशन है, इसको बिल्कुल भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलिएगा। माँ ये शब्द सिर्फ बच्चों के लिए ही एक ब्लेसिंग नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एहसास है माँ बनने का या माँ होने का, ये अपने आप में एक बहुत फुलफिलिंग एहसास है। फुलफिलिंग इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आपकी जो दुनिया है वो सिर्फ आपके बच्चे तक सीमित है। फुलफिलिंग इसलिए क्योंकि जो माँ होती है ना, उसका नेचर ही प्यार करना होता है, उसका नेचर ही नरिश करना होता है, नर्चर करना होता है। जिस तरह धरती माँ, मदर अर्थ की आप बात करते हैं, धरती माँ किसी में कोई फर्क नहीं करती। इसके लगाए हुए पेड़ों को नहीं उगने देना है या इसके लिए खाना नहीं उगाना है, वो सभी से प्यार करती है। तो अगर कोई लेडी, अगर कोई फीमेल इन सिंक है अपने मदरहुड के, तो मैं ये मानती हूँ कि उससे बेहतर इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने मदरहुड को नरिश करके रखना, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी फीमेल ना तो नफरत कर सकती है और ना ही बच्चों में भेदभाव कर सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितनी भी हम फीमेल्स हैं, जितनी भी हम मदर्स हैं, हम सभी को अपने मदरहुड को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। ये जो फीलिंग है, जो पहले दिन आती है जब आप पहली बार अपने बच्चे को देखते हो, वो जो फीलिंग है ना, वो हमेशा उतनी ही प्योर, उतनी ही इनोसेंट हमेशा रहनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ एक और बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे घरों में मैं ऐसा देखती हूँ, और ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे घर हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम घरों में जब बेटियाँ पैदा होती हैं ना, तो ये दादियाँ, नानियाँ, माँ यही होती हैं जो सबसे पहले अपने मन में अफसोस करती हैं कि बेटी पैदा हो गई। देखिए, पहले दिन जब आपके घर में, पहले पल जब आपके घर में बच्ची आती है ना, ये मायने रखता है कि एक माँ होकर, एक औरत होकर उस पल आप उसको किस तरह वेलकम कर रहे हो। जिन फीमेल्स ने अपने ही घर में एक और फीमेल होने का अफसोस जता दिया ना, उन्होंने अपनी बेटी की किस्मत लिखते हुए खुद ही स्याही खत्म कर दी। फिर शिकायत ना कीजिएगा कि बेटी की किस्मत अच्छी नहीं निकली, वो आपका अफसोस है जो उसकी किस्मत में दिखता है। आप एक माँ हैं, आप ही है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। इस दुनिया में जो भी आ रहा है उसकी इज्जत किस तरह हो, ये आप ही निश्चित करेंगी। नमस्ते जी, हिमाचल वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड मदर्स डे स्पेशल है। मदर्स डे स्पेशल तो है, लेकिन थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ मैं आपको एक किताब की कहानी सुनाऊंगी, नॉट विदाउट माई डॉटर। बेटी महमूदी की अपनी कहानी है, रिलीजियस एस्पेक्ट इसमें नहीं टच करूंगी। सिर्फ ये बताना है कि दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई इमोशन है तो वो माँ का इमोशन होता है अपने बच्चे के लिए। नॉट विदाउट माई डॉटर बेटी महमूदी की कहानी है। काफ़ी इसमें रिलीजियस एंगल भी है, उसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी क्योंकि आज के एपिसोड का मकसद सिर्फ माँ की पावर दिखाना है। बेटी महमूदी की पहली शादी से दो बेटे हैं, जॉन और जोई। उसकी दोबारा शादी होती है, ये एक लव मैरिज है। महमूदी एक ईरानियन डॉक्टर है अमेरिका में, बहुत खूबसूरत रिश्ता चल रहा है। इन दोनों की भी एक बेटी होती है महतौब, बहुत प्यारी बच्ची है, अपने पिता की खासकर बहुत लाडली है। डैडीज प्रिंसेस वो कहते हैं ना, बस वही। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं मोदी को ईरान छोड़े हुए, अपने रिश्तेदारों से मिला नहीं है। अमेरिका में बेटी, महतौब, मोदी, इन सब का परिवार बहुत खुश है, बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही है। ईरान से मोदी के रिलेटिव्स विजिट करते रहते हैं। वो जो विजिट्स है उसी में जो कल्चर है, जो रहने का तरीका है, जिस तरह से वो लोग बेटी के साथ बिहेव करते हैं, उससे बेटी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इतनी देर में मोदी प्रपोज करता है कि दो हफ्ते के लिए, सिर्फ दो हफ्ते के लिए अगस्त में महतौब, बेटी
और मूडी ईरान जाए। बेटी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ईरान में अभी अनरेस्ट है और वो महतोब को उधर नहीं लेके जाना चाहती। तो वो ये कहती है कि मूडी मैं नहीं चाहती कि तुम भी वहाँ जाओ, लेकिन प्लीज़ महतोब और मैं वहाँ नहीं जाना चाहते। यहाँ पे मूडी अपनी रिलीजियस बुक कुरान को हाथ में लेके कसम खाता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम्हें ज़रा भी ये लगता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें वहाँ रख लूँगा, हम वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 हफ्ते के अंदर हम लोग वापस अमेरिका आ जाएंगे। कहीं पे बेटी गिल्टी भी है कि 20 साल हो गए हैं अपने परिवार से नहीं मिला है, वो लोग बहुत याद करते हैं मूडी को, तो मेरी वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। डर बहुत है उसके मन में। एक बार वो अपने लॉयर के पास भी जाती है और उससे कहती है कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो ये डिवोर्स पक्का है। मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे मैं जाऊँ और मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, मैं वहाँ पे फंस जाऊँ। पर क्योंकि वो एक इमोशनल औरत है, मन की अच्छी है, वो सोचती है कि चलो मूडी पे विश्वास करते हैं, अपने परिवार को नहीं टूटने देते। जाते हैं वो लोग ईरान। जब वो लोग ईरान पहुँचते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे ही जो कल्चरल शॉक है, जो डिफरेंस है सारा, वो बेटी को समझाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रिश्तेदार आते हैं, कल्चर तो बिल्कुल अलग है ही। 2 हफ्ते जैसे तैसे बेटी निकालती है ईरान में। 2 हफ्ते बाद जब जाने की बारी होती है, वो पैकिंग कर रही होती है, तो मूडी वहाँ पे डिस्क्लोज करता है कि अब हम हमेशा के लिए ईरान में हैं। एक अमेरिकन लिबरल लेडी के लिए, एक अमेरिकन स्ट्रॉन्ग लिटिल गर्ल के लिए ईरान की सोसाइटी ठीक नहीं है, बेटी का ये फैसला था। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसको वो मार रहा था, पीट रहा था, हाइजीन वाइज हालत बहुत ख़राब थी। फिर भी जब बेटी ने रिबेल किया, तो फाइनल ब्लो मूडी ने बेटी और उसकी बेटी महतोब को बेटी से अलग कर दिया। दैट वॉज इट। अब बेटी को पता था कि हमें यहाँ से वापस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी बेटी को मैं इस तरह बड़ी होते यहाँ पे नहीं देख सकती। इस बीच बेटी के फादर, जो ऑलरेडी कैंसर से लड़ रहे होते हैं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी बहन का फ़ोन आता है, वो बताती है कि एक ऑपरेशन है, बहुत मुश्किल है फादर का उस ऑपरेशन को सह पाना। मूडी मौका संभालता है और कहता है कि तुम अपने पिता से मिलने जाओ, अमेरिका में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे बेचो, डॉलर्स मुझे ट्रांसफ़र करो, उसके बाद मैं तुम्हें ईरान आने दूंगा। ये बेटी का एक चांस होता है अमेरिका वापस चले जाने का, फ्रीडम, बिल्कुल फ्री हो जाने का। लेकिन कंडीशन ये थी कि महतोब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बेटी को ईरान छोड़कर खुद अमेरिका चले जाने का कोई थॉट भी बेटी के दिमाग में नहीं था, ना ही उसने सोचा। इट वॉज़ अ क्लियर नो। बेटी एक बहुत कमज़ोर हो चुकी माँ है, उसके पास एक छोटी बच्ची है 6 साल की, एक अलग कंट्री में वो फंस गई है, वो दुनिया उसके लिए अलग है। पति जिसके सहारे पे वो आई थी, वो बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं कर रही। पति की जो फैमिली है, वो जासूसी कर रही है बेटी के ऊपर कि कहीं वो किसी से बात तो नहीं कर रही, कहीं वो किसी से मिल तो नहीं रही, किसी को फ़ोन तो नहीं किया उसने। हर दिन कोई ना कोई शिकायत लगा के बेटी की पिटाई करवाई जा रही है। बिल्कुल हालात ही बदल गए हैं। अब ये माँ डिटरमाइंड है अपनी बेटी के साथ अमेरिका वापस जाने के लिए। तो वो सोचती है कि अपनों का साथ लेकर तो देख लिया, अब स्ट्रेंजर्स पर, अनजान लोगों पर विश्वास करके देखते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ईरान में सारे ही लोग बुरे थे, कुछ अच्छे लोग भी थे। एक दुकानदार बेटी की मदद करता है, वो अपनी दुकान से बेटी को अमेरिका फ़ोन भी करने देता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अमेरिका पहुँचा सकूँ, लेकिन जो रास्ता मेरे पास है वो बहुत ख़तरनाक है, स्मगलर्स लेके जाएंगे तुम्हें उस रास्ते से, और बहुत डेंजरस और बुरे एक्सपीरियंसेस भी लोगों के साथ हुए हैं उस रास्ते पे। भेज तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं कर सकता कि तुम और तुम्हारी बेटी उधर पहुँचेंगी ही, क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? और एक बात बता दूँ कि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है। यहाँ पर बेटी कहती है कि मेरी बेटी छोटी है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फिक्र मत करो, हमारे लिए रास्ता बताओ, पैसे कितने लगेंगे। वो आदमी, एक स्ट्रेंजर, बेटी को इतना विश्वास दिलाता है कि तुम फिक्र ना करो, अभी जो पैसे हैं वो मैं दे दूंगा, जब तुम अमेरिका पहुंचोगी तब तुम मुझे वो पैसे वापस कर देना। कभी कभी ऐसा होता है ना, भगवान जिस तरह कोई रास्ता बनाता है, उसी तरह एक रास्ता बन रहा होता है बेटी के लिए। बेटी ज़्यादातर घर से निकल नहीं पाती थी अकेले, अलाउड नहीं होता,
कभी कभी ही मौका मिलता था। घर पर हालात ऐसे बन रहे थे कि मूडी उसको अमेरिका की फ्लाइट पे बिठाने वाला था ताकि वो वहां जाके प्रॉपर्टी बेचे। महताब क्योंकि ईरान में होगी मूडी के पास, इसलिए बेटी सारे डॉलर्स ट्रांसफर करेगी और उसके बाद वो उसे ईरान आने ही नहीं देगा, बेटी को अपने पास रख लेगा। और ये जानती थी बेटी कि वो इसके काबिल है, चाहे वो उसको इंजेक्शन लगा के प्लेन पे बिठा दे, मार के प्लेन में बिठा दे, किसी भी तरीके से वो उसको उस फ्लाइट पे बिठा देने वाला है। तो एक दिन पहले बेटी और उसकी बेटी वहाँ से भाग जाती हैं। उस शॉपकीपर को फ़ोन करती हैं कि हम आ गए हैं, अब जैसे भी तुम अरेंज करो। वो शॉपकीपर कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं बन पाया बेटी, मुझे टाइम लगेगा। पर वो उसको एक एड्रेस देता है, कहता है कि यहाँ पे जाओ, देखना कोई तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हो और चुपचाप उधर छुप जाओ। बहुत मुश्किल होता है एक अंधेरे कमरे में ठंड में चुपचाप बेटी और उसकी बेटी तकरीबन 2 दिन रहती है। वो आदमी उधर आता है, उन्हें कुछ खाने की चीज़ें ले आता है, बच्चे के लिए कुछ ड्राइंग बुक्स ले आता है, कलर्स ले आता है। बेटी बस एक एक पल ये सोच रही है कि कब हमारी जर्नी शुरू होगी, और दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि बेटी बहुत छोटी है, कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अगर हम दोनों मर गए, अमेरिका हमारी लाशें पहुँची, 3 लोग जो मेरे पिता ऑलरेडी डेथ बेड पे हैं और हमारे राह देख रहे हैं, वो तो हमारी डेड बॉडीज़ देख के हिम्मत हार जाएंगे। तो क्या हमारे घर में 3-3 डेड बॉडीज़ होंगी। बहुत सारे ख्याल दिमाग में जा रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ में जो बेटी है बेटी की, वो स्ट्रेंथ है उसकी। ये बच्ची कोई शिकायत नहीं कर रही कि खाना नहीं खाया है, ठंड बहुत ज़्यादा है, अकेले अंधेरे कमरे में जहाँ पे सोने को भी कुछ नहीं है वहाँ पे हम लोग बैठे हैं। वो अपने माँ के साथ है। अपनी माँ को स्ट्रेंथ देने का ये उसका पहला दिन नहीं था। जिस दिन मूडी ने अमेरिका वापस जाने के लिए मना कर दिया था और बेटी को पहली बार मारा था, उस दिन भी उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़ कर बोला था, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। वो छोटी सी 6 साल की बच्ची और उसकी माँ, जो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रही थी, वो साथ में थी और अब एक बहुत डिफ़िकल्ट और डेंजरस रास्ता लेने वाली थी अमेरिका पहुंचने के लिए। उनकी जर्नी स्टार्ट होती है पहले गाड़ी में, फिर ट्रक में, ठंडी हवाएं। शुरुआत में लगता है कि इससे ज़्यादा ठंड और नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह रास्ता बढ़ता जाता है, जर्नी आगे बढ़ती जाती है, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, जानवरों के बीच, अंधेरे कमरों में, घोड़े पे जब बर्फ में दिनों दिन उन्हें चलना होता है, तो बेटी का शरीर जैसे जम जाता है, घोड़े पे से वो स्लिप होके गिर जाती है। देखिए, ये भी किस्मत की बात है, जो अपने थे, जो परिवार वाले थे, जिन पे विश्वास किया था, उन्होंने हर विश्वास को तोड़ दिया। और ये जो स्मगलर्स थे, वो हर तरह से साथ दे रहे थे और ध्यान रख रहे थे। जब बेटी गिरती है तो एक स्मगलर सजेस्ट करता है कि बेटी को, महतौब को, दूसरे घोड़े पे दूसरे आदमी के साथ बिठा दिया जाए, क्योंकि बेटी की हालत नहीं है बेटी को पकड़ने की। 6 दिन बाद बिना खाए भूखी प्यासी महतौब, छोटी 6 साल की बच्ची जो चलती जा रही है, बिल्कुल शिकायत नहीं की है, एक भी आंसू नहीं गिराया है, उस दिन महतौब रो पड़ती है। उस दिन वो ज़ोर ज़ोर से रोती है उस वक्त और कहती है, मम्मा से अलग मत करो। जब बेटी उसे समझाती है तो वो एक बार फिर मान जाती है और घोड़े पे आगे चलने लगती है। बेटी को ये महसूस होता है कि शायद वो रास्ता पूरा नहीं कर पाएगी, तो जो स्मगलर साथ में होते हैं वो उन्हें कहती है कि इसको अमेरिकन एम्बेसी तक पहुँचा देना, मैं चाहती हूँ कि ये सेफली अमेरिका पहुँच जाए, मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बॉडी को यहीं छोड़ देना, मुझ पर वक्त बर्बाद मत करना। वो पहले ही कह रही होती है कि अब मेरी हालत ऐसी है नहीं कि मैं आगे चल पाऊँ, तो तुम लोग मुझे इधर छोड़ दो, मेरी बेटी को ले जाओ। लेकिन जो स्मगलर्स होते हैं वो उसे नहीं छोड़ते, एक तरफ से एक इंसान पकड़ता है और दूसरे तरफ से दूसरा, और खींचते हुए उसे रास्ता पूरा पार करवाते हैं। शॉर्ट में आपको ये बताऊँगी कि टर्की से वो लोग जाते हैं, फाइनली अमेरिकन एम्बेसी पहुँच जाते हैं और अपने घर अमेरिका, अपने माँ बाप के पास, अपने दो और बेटों के पास, जोई और जॉन के पास पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी पहले जैसी नॉर्मल कभी भी नहीं होती उसके बाद, क्योंकि एक डर होता है कि मूडी आएगा और महतौब को किडनैप कर लेगा। लेकिन ये जो जर्नी थी फ्रॉम ईरान टू अमेरिका, ये जो जर्नी थी वो सिर्फ एक माँ अपने बच्चे को मुश्किल में देखकर, उसको बचाने के लिए,
उसी की स्ट्रेंथ उस जर्नी को कर सकती थी, नहीं तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। ये किताब की कहानी थी मदर्स डे स्पेशल, स्पेशली आपको ये बताने के लिए कि एक औरत को चाहे आप कुछ बोलने की हिम्मत कर दे और वो सुन भी ले, लेकिन अगर आप उसके बच्चे को कुछ बोले ना, अगर उसको महसूस हो कि उसके बच्चे को थ्रेट है, तो फिर चाहे आप उसे बेटी महमूदी का नाम दे दे, काली माँ का नाम दे दे, शेरनी का नाम दे दे, कुछ भी बोल दे, वो कुछ भी बन सकती है। और मैं आपको एक ये बात भी बता दूं कि अगर कोई फीमेल अपनी मदरली एनर्जीज के इन ट्यून है, इन सिंक है, तो उससे खूबसूरत औरत, तो उससे रिस्पॉन्सिबल औरत और उससे बढ़िया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं ये बोलूंगी, सेलिब्रेट योर मदरहुड एंड सेलिब्रेट बीइंग अ मदर। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी औरत, ऐसी फीमेल जरूर हो जो अपनी मदरली एनर्जी से सिंक में हो। आप देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।